नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? आज हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई ए एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट से। जी हाँ, यहाँ पर एरा की भर्ती है, वेरियस असिस्टेंट और स्टिनोग्राफर के पद हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स, साथ ही आपको बता देते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारा हक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज लेकर आएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का क्विज क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप में प्रथम शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन हैं रवि शास्त्री, कपिल देव, डेनिस एमिस या फिर सचिन तेंदुलकर। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एम्प्लॉयमेंट टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ये केंद्र सरकार की भर्ती है। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? तो यहाँ पर ओनली 18 है। जॉब लोकेशन है न्यू दिल्ली और यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्ट हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ पॉज करके देख लें। यहाँ पर डायरेक्टर पॉलिसी एंड स्टैटिस्टिक्स से पद हैं, डायरेक्टर लीगल से पद हैं, अंडर सेक्रेटरी पॉलिसी एंड स्टैटिस्टिक्स से पद हैं, अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस एंड अकाउंट से पद हैं, अंडर सेक्रेटरी पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन से पद हैं, बेंच ऑफिसर से पद हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी से पद हैं, असिस्टेंट्स के पद हैं, पर्सनल असिस्टेंट से पद है, स्टीनोग्राफर से पद है, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर से पद है। और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सारे पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो बताना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जरूर से हमारे वेबसाइट पर विजिट करें सारे डिटेल्स को पाने के लिए। मैं रफ आइडिया देता हूँ, यहाँ पर सारे ही ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, स्नातक पास कर लिया है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारे पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा गया है। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम है 56 इयर्स। पे स्केल यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप पॉज करके देख लें डिटेल में। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर सीधी भर्ती है, कोई भी एग्जाम नहीं है, रिटन टेस्ट कोई भी नहीं है, यहाँ पर सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आपको जरूर से अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल, आपको सिंपली इसी पेज पर आना है जो कि आप देख रहे हो अपने डिवाइस के स्क्रीन पे। इस पेज का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप सिंपली इस पेज पर आएं, सारे डिटेल्स को पढ़ें, सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, उसके बाद अप्लाई कर दें। दोस्तों ये फॉर्म ऑफलाइन मोड में है, तो आपको ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई है 16 जून 2018, वहीं लास्ट डेट टू अप्लाई है 16 जुलाई 2018। स्क्रीन पर आपको एक लिंक शो कर रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लीकेशन फॉर्म का, आप इससे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन कम अप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें, अप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करवाएं, अच्छे से फिलअप करें, अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ स्क्रीन पे शो करे एड्रेस पे भेज दें। तो दोस्तों यही था फॉर्म फिलअप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ही जाएं हमारे यूट्यूब चैनल को। और अब हम मिलते हैं एक नए सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।